अगेन दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि मैं मूवीज़ का रिव्यू देता हूँ, बट साथ ही साथ में मुझे लगता है कुछ यंगस्टर्स को जनरल नॉलेज की रिलेटेड चीज़ें भी मैं बताऊँ। तो आज है दोस्तों, आज के नॉलेज के बारे में बात करूँगा, तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने टॉपिक लिखा है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, सबसे पहले ये कब बनाया गया था, 2007 में। कैसे बनाया गया था, उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस चीज़ को रिजॉल्व किया था और ऑब्जर्व किया था कि 15 सितंबर 2007 से पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी बनाएगी। अब वो क्यों बनाएगी, वो इसलिए बनाएगी ताकि पब्लिक अवेयरनेस रख पाए कि आखिर लोकतांत्रिक दुनिया कैसी होती है उसके बारे में। तो चलिए, ये तो छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेटिक फैक्ट्स के ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ है, 192 कंट्रीज हैं हमारी इस दुनिया में, पूरी दुनिया को मिला के 192 कंट्रीज बनती हैं। उसमें से 123 कंट्रीज पूरी डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतांत्रिक है। दूसरी चीज जो है कि भारत, हमारा जो इंडिया है, वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया का। देखिए, अब मैं आपके सामने एक और छोटी चीज लाना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक हैं लैरी डायमंड, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो आखिर इनकी क्या आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी को लेके है, मैं आपके सामने वो पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ इलेक्शन प्रमोशन, ऑल लॉज आर इक्वल टू ऑल सिटीजंस। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। सबसे पहले सिस्टम ऑफ इलेक्शन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन का यहाँ पे मतलब है कि चुनाव होना, वो भी विदाउट माल प्रैक्टिस। ये सबसे बड़ा एक वो होता है इनग्रीडियंट की जो डेमोक्रेसी है वो सीड अप हो पाए। दूसरी चीज, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का स्टेट और कंट्री में प्रोटेक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तीसरी चीज जो है, ऑल लॉ, यानी कि जो भी कानून है वो इक्वल होगा सारे सिटीजन्स के लिए। ये मायने नहीं रखता कि आप बड़े आदमी हो, आप छोटे आदमी हो, अगर आपने गलती की है तो आपको लॉ के थ्रू ले जाकर आपको सजा दी जाएगी। ये एक चीज है। और चौथी चीज है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिक्स, राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लोगों का। तो देखिए, चलते हैं फिर, मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, दी डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या होता है, पहले मैं बता दूं कि आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम खेलने के वक्त पे हमें, जब हम कोई जो जीतते हैं एक लेवल, तो हमें 1 पॉइंट मिलता है ना, आप जानते हैं, 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, 3 पॉइंट मिला, 4 पॉइंट मिला। तो वैसे ही जो कंट्री जितनी डेमोक्रेटिक होगी, उन्हें 0 to 10, इन दोनों में से बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब में से जज किया जाएगा कि भाई कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा डेमोक्रेटिक है। तो मैं, चलिए, इससे भी थोड़ी रिलेटेड नॉलेज आपके सामने पेश करता हूँ कि कंपाइल्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो कंपाइल, यानी कि कौन जोड़ जाड़ के रखता है, कौन अकाउंट बनाता है, तो वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। किस बेसिस पे वो इस चीज का विश्लेषण करता है, डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो क्या चीजें देख के बनाता है। अगर हम बात करें तो ये कुछ यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कैसा है लोगों का, सिविल लिबर्टी मिल रही, सिविल लिबर्टी का यहां मतलब बता दूं कि सिविल लिबर्टी का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो देश के जो लोग हैं, क्या वो फ्रीडम के थ्रू लिबर्टी रख पा रहे हैं, क्या वो जी पा रहे हैं, राइट टू लाइफ है, राइट टू एक्सप्रेशन है, वो चीज है कि नहीं। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी कि जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या आउटसाइडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार ढंग से काम कर रही है कि नहीं जो देश के हित में हो। फिर आता है पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, क्या पॉलिटिकल कल्चर दबाता है लोगों को, या लोगों का एक्सप्रेशन की क्या लोग सोचते हैं एक पर्टिकुलर एजेंडा के बारे में उसका सपोर्ट करता है, वो है पॉलिटिकल कल्चर। फिर है प्लूरलिज्म,
प्लूरलिज्म का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आपने देखा हो कई सारी, जैसे कि उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया में सिर्फ एक ही वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है जो उस पूरी स्टेट को उस रूल करती है, वो चीज मोनार्की वगैरह में आ जाएगी। बट प्लूरलिज्म है कि हम जनता लोगों के पास पूरा वो होता है एक तरह का, कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं किसी भी स्टेट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि आजकल बीजेपी चल रही है, आम आदमी पार्टी है, या कह लीजिए उद्धव सरकार है, या कह लीजिए जो भी है, हमारे पास चॉइसेस होती हैं, तो उसे प्लूरलिज्म कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला, देखिए ओवरऑल 90% जो कंट्रीज हैं, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, 90% जो कंट्रीज हैं वो मेनली फुल डेमोक्रेसी की, यानी कि उनका जो स्कोर आता है इस स्केल में से वो 9.0 से 10.0 तक होता है। 10% है उनमें तो ज्यादा कुछ नहीं होता, वो सारी मोनार्की हैं या सिर्फ एक ही स्टेट, एक ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें रूल करता है। तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी था, तो मैंने उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करी जो मैंने पढ़ी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं आपके सामने मूवीज का रिव्यू के साथ साथ कुछ दिन की नॉलेजेबल चीजें भी आपके सामने पेश करता रहूँ।